বিজেপি কে রুখতে নতুন কৌশল অখিলেশের চমকে গেল দেশ রাহুল কে অনুসরণ করে বিজেপির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন ইউপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ বিশাল সংখ্যক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে 5000 কিলোমিটার সাইকেলে করে আজ পৌঁছেছেন রাজধানী লখনউতে রুখতে হবে বিজেপি কে কার্যত এমনই লক্ষ্য নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব আজ উত্তর প্রদেশের লখনউতে সমাজবাদী পার্টির পিডিএ যাত্রা সাইকেল র‍্যালি করলেন অখিলেশ এই সম্পর্কে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন বিজেপি কে সরাতে এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে অখিলেশ বলেন আমরা জনগণের কাছে যাব তাদের সংযুক্ত করব এবং সচেতনতা তৈরি করব আমরা বিজেপি কে সরিয়ে দেব এই যাত্রা আজ লখনউতে গিয়ে পৌঁছেছে বহুদিন ধরে দলের কর্মীরা নিজ নিজ জেলায় এই যাত্রায় অংশ গ্রহণ নিয়েছেন এবং এক নজরে দেখে নেব সেই অখিলেশের সাইকেল র‍্যালির দৃশ্য এবং তিনি কি মন্তব্য করেছেন তাও আমরা শুনে নেব পিডিএ যাত্রা চলেগি লাগাতার পিডিএ যাত্রা লাগাতার চলেগি আর যে তরিকে সে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর জি কা সংবিধান আর বাবা সাহেব আরাম সে तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों का अरे लग गई ये लग गई अरे लग गई ये लगा चलेगी बीजेपी को हटाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी का संघर्ष इसी तरीके से लोगों के बीच में जाकर के जन जागरण करके लोगों को जोड़ करके बीजेपी को हटाएंगे इतना बड़ा जमावड़ा इतने हजारों लोग आपसे में आपके साथ चल रहे हैं फूलों की बरसात हो रही है साइकिल से सब चल रहे हैं देखिए ये यात्रा कोई आज शुरू नहीं हुई है आज लखनऊ आई है राजधानी इसमें शामिल हो रहा हूँ पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं समाजवादी साथी 5000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं पद यात्रा की है साइकिल से चले हैं पार्टी के विधायक पार्टी के संगठन के लोग पार्टी के नेता हर जगह अपने जिले जिलों में शामिल हुए हैं और उसका उसका परिणाम ये है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी को समर्थन मिल रहा है मुझे उम्मीद है इनका समर्थन मिलेगा और समर्थन मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया करेगा पीडीए हराएगा एनडीए को पीडीए हराएगा इंडिया और एनडीए को और इंडिया पहले भी जीती थी कल भी जीती आगे भी जीतेगी कल आपने कहा था इंडिया जीती थी और जीत गई पीडीए हराएगा एनडीए को और इंडिया जीतेगी कल भी जीती है और आगे भी जीतेगी সংবাদ এই পর্যন্তই পরবর্তী অন্যান্য আপডেট পেতে আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ।